अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स को हम लोग कोलिनोरिसेप्टर ब्लॉकर्स भी कहते हैं और इसके अलावा इसको पैरासिम्पैथेटोलाइटिक्स भी कहा जाता है। बेसिकली ये अपोजिट काम करती हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स के। जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हम पिछली वीडियोज़ में प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, अगर आप लोग चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं। इसकी डिवीज़न बेसिकली हमारे पास इनके मैकेनिज्म के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। इनको दो क्लासेस में, मेजर क्लासेस में, उनकी दो क्लासेस में एंटी मस्करैनिक हैं और एंटी निकोटेनिक रिसेप्टर्स। ठीक है, एंटी मस्करैनिक और एंटी निकोटेनिक। एंटी मस्करैनिक फर्दर तीन क्लासेस में डिवाइड करती है अकॉर्डिंग टू द सेलेक्टिविटी और नॉन सेलेक्टिविटी। सबसे पहले हमारे पास है M1 सेलेक्टिव, मतलब जो कि हमारे पास स्पेसिकली M1 रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहे होते हैं। रिसेप्टर्स के बारे में प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, आप लोग उसमें से जाकर के देख लेते हैं। एक एक एग्जाम्पल, इन सब की आपको याद होनी चाहिए तो अच्छी बात है। M1 सेलेक्टिव की एग्जाम्पल है पायरेन्जिपाइन। और दूसरा होता है हमें M3 स्लाइडली सेलेक्टिव। M3 रिसेप्टर्स पे जो स्लाइडली हमारे पास सेलेक्टिव रिसेप्टर्स होते हैं उन पर जाके एक्ट करती है। इसकी एग्जांपल में है हमारे पास डायरिनफेनेसिन। थर्ड क्लास आ जाती है जो कि नॉन सेलेक्टिव है। एम रिसेप्टर्स नॉन सेलेक्टिव है। इसमें एग्जांपल हमारे पास एट्रोपिन, इसका नाम हमने बहुत सुना होगा, इसको हम सेलेक्टिवली तौर पे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एट्रोपिन एंड स्कोपोल अमाइन। निकोटीन फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं हम लोग गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। इसके एग्जांपल है हमारे पास हेक्सामेथोनियम। और दूसरी क्लास है हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके एग्जांपल में हमारे पास ट्यूबरक्यूलिन है। एक और क्लास होती है जिसमें हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को डिवाइड करते हैं, वो होती है हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। बेसिकली एक और क्लास में सब डिवाइड होती है, उसे हम कहते हैं कोलिन ई स्ट्रेस रीजनरेटर्स। बेसिकली ये रिसेप्टर ब्लॉकर्स नहीं होते हैं बल्कि केमिकल या एंटागोनिस्ट होते हैं एसिटाइल कोलिन ई स्ट्रेस के, जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। ये बेसिकली ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के अपोजिट एंटागोनिस्ट काम करते हैं कोलिन ई स्ट्रेस रीजनरेटर्स। ये इनको भी फर्दर क्लास में डिवाइड किया जाता है। इनकी क्लास का नाम है ऑक्साइम्स, जिसकी एग्जाम्पल है प्लैलिडोक्सिन। अब इनको फर्दर हम लोग जो है डिटेल में पढ़ें। एट्रोपिन हमारे पास क्या है? एट्रोपिन हमारे पास टर्शरी अमाइन है जो कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एक प्लांट से, जिसका नाम है एट्रोपा बेलोडोमा। एट्रोपा बेलोडोना अक्सर MCQs में पूछा जाता है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये जो हमारे पास एट्रोपिन सेंट्रली और पेरिफेरली दोनों तरीके से एक्ट करता है। जनरल इसके एक्शंस जो हैं 4 आवर्स तक रहते हैं। इसके एक्शंस देख लेते हैं। अगर हम आई की बात करें तो आई पे ये अपने क्या एक्शंस करता है? सबसे पहले ये आई को, आई के एट्रोपिन जो है मस्करैनिक एक्टिविटी को ब्लॉक करता है और मिडराइसिस कराता है। आई में मिडराइसिस मतलब कि डायलेशन ऑफ द प्यूपल। ठीक है, इसके अलावा ये साइक्लोप्लीजिया कराता है। साइक्लोप्लीजिया क्या है? साइक्लोप्लीजिया इज़ द इनएबिलिटी टू फोकस फॉर द नियर विजन, मतलब अकोमोडेशन रिफ्लेक्स को ये जो है अकोमोडेशन रिफ्लेक्स को ब्लॉक करता है और ये नियर ऑब्जेक्ट्स को या सही से देखे क्लियरली विजन में हेल्प नहीं करता। और ये जो है हमारे पास इंट्राओकुलर प्रेशर को भी इंक्रीज़ करता है। इंट्राओकुलर प्रेशर ऑफ द आई, ठीक है।
आईपी तो हमने इसके अफेक्ट देखे, क्या करता है, मिड्राइसिस कराता है, साइक्लोप्लीजिया करवाता है और इनकेस इंट्राओकुलर प्रेशर करवाता है। जीआईटी में ये क्या करता है कि जीआईटी में ये रिड्यूस कर देता है जीआई की मोर्टिलिटी को। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे ये अपने क्या इफेक्ट्स शो करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि ये हमारे पास अपने दो तरीके से इफेक्ट शो करता है। अगर ये हम एट्रोपीन जो है लो डोज में ली जा रही है तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास रैपिड स्लो कराना शुरू कर देगा हार्ट बीट। आता है लो डोजेज ऑफ द एट्रोपीन डिक्रीजेज द हार्ट रेट, और जो हाई डोजेज ऑफ एट्रोपीन क्या कराता है, हमारे पास हार्ट रेट इंक्रीज कराता है। ये याद रखना है कि अक्सर एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके अलावा हम बात करेंगे सिक्रीशंस, कुछ जर्नल सिक्रीशंस हमारी बॉडी की, उन पे क्या इफेक्ट है इसका, जैसे सलाइवा के सिक्रीशन, लैक्रिमल ग्लैंड के सिक्रीशन, सलाइवा के सिक्रीशन सलाइवरी ग्लैंड को ये इनहिबिट करता है, उनकी जो है सलाइवा की प्रोडक्शन की रिलीजन कम कराता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ड्राइनेस ऑफ द माउथ हो जाता है, और वो ड्राइनेस ऑफ द माउथ कॉज करता है जीरोस्ट्रोमिया। ठीक है, ये तमाम सिक्रीशंस को इनहिबिट कराता है, लैक्रिमल ग्लैंड्स को भी इनहिबिट करता है ये। अब हम लोग इसके कुछ थेरापेटिक यूजेस देख लेते हैं, ये हमारे किस काम आता है। थेरापेटिक यूजेस की बात करें, ये हमारे पास ऑप्थेल्मिक में थेलमिक की सर्जरीज वगैरह में यूज़ होता है, जैसे कि हमने इसके एक्शंस में पढ़ा कि ये जो है मिड्राइसिस और हमारे पास साइक्लोप्लीजिया कराता है। मिड्राइसिस करवाने के लिए कुछ सर्जरीज वगैरह में यूज़ होता है। इसके अलावा ये एज ए एंटी स्पैजमेटिक एजेंट के तौर पे यूज़ होता है टू रिलैक्स द जीआईटी, जैसे कि हमने देखा था कि जीआईटी की मोटिलिटी को कम कर देता है। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर में हमारे पास किस तरीके से यूज़ होता है, ये कार्डियोवैस्कुलर में हमारे पास ब्रैडीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। अगर हम इसकी हाई डोज देंगे तो ये हमारे पास एज अ ट्रीट ब्रैडीकार्डिया को ये यूज़ करने के लिए भी एट्रोपिन यूज़ होता है। इसके अलावा एंटी सिक्रेटरी, कभी कभी जो है कुछ सर्जरीज में हम लोगों को सिक्रीशंस वगैरह को इनहिबिट करना पड़ता है, तो ये एज ए एंटी सिक्रेटरी भी यूज़ होता है, और इट इज़ आल्सो यूज्ड एज ए एंटी डोट, ये एज ए एंटी डोट भी यूज़ होता है फॉर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स के लिए। अगर वो हमारे पास ज़्यादा ओवर डोज में ले ली जाए तो एज अ ये हमारे पास एंटी डोज यूज़ होता है। और ऑर्गेनोफॉस्फेट जो इंसेक्टिसाइड्स और नर्व्स वगैरह, इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है, अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो जाए। ठीक है, उसको भी यूज़ करने के लिए यूज़ होता है। बेसिकली हमारे पास एसिड एंटी कोलीन ईस्ट्रेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, और कुछ मशरूम्स की पॉइजनिंग हो जाती है उसको भी ट्रीट करने के लिए ये यूज़ होता है एट्रोपी। ठीक है, हम इसी कुछ फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेते हैं। एट्रोपिन जो है रेडिली एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, पार्शियली मेटाबोलाइज्ड बाय द लीवर है, लीवर से मेटाबोलाइज्ड होता है पार्शियली, और एलिमिनेशन इसकी यूरिन के ज़रिए होती है। ठीक है, इसकी हाफ लाइफ है हमारे पास 2 आवर्स तक की, और हमारे पास इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है अगर नॉर्मल क्वांटिटी में ली जाए इसे तो है हमारे पास 4 to 8 आवर्स। ठीक है, अब हम इसको इसके एडवर्स इफेक्ट्स देख लेते हैं, वो भी अक्सर अवकात पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा एट्रोपीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे तरीके से करना है। एडवर्स अफेक्ट्स में हमारे पास क्या है, ड्राई माउथ हो जाता है, एट्रोपीन जो है ड्राई माउथ कराता है, बल्कि एक निमोनिक लिखते हैं उसके वरीय से आपको बताते हैं। एडवर्स अफेक्ट्स के लिए, इसके लिए हमारे पास एक निमोनिक है, ड्राई एज अ बोन, हॉट एज अ पिस्टल,
पिस्टल है, सॉरी पीतल नहीं है, पिस्टल रेड एज अ बीट एंड मैड एज अ हैटर, ड्राई एज अ बोन, एंट्री सिक्रीशन इसके इफेक्ट्स होते हैं, अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारे पास बहुत ड्राइनेस हो जाती है, ठीक है। हॉट एज अ पिस्टल, हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया कॉज करता है ये हमारे पास। रेड एज अ बीट, हमारे पास ये वैसो डायलेशन करा देता है, ज़्यादा एक्सेस कुटेनियस वैसो डायलेशन, जिसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं रेड एज अ बीट। मैड एज अ हेटर, बेसिकली अगर इसका ट्रोपिन को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिली जाए तो हमारे पास ये हेलोसिनेशंस करवा सकता है, इस वजह से डेलोरिज्म करा सकता है, इसकी वजह से इसको हम कह रहे हैं मैड एज अ हेटर। ड्राई एज अ मून, हॉट एज अ पिस्टल, रेड एज अ बीट, मैड एज अ हेटर। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्कोपोल अमाइन की। बेसिकली स्कोपोल अमाइन हमारे पास, आपको स्कोपोल अमाइन के बारे में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो पता है, लेकिन मेन चीज़ जो आपको अक्सर एमसीक्यूज वगैरह में कंफ्यूज करने के लिए पूछी जाती है कि स्कोपोल अमाइन जो है इसका एक बहुत बड़ा थेरेप्यूटिक यूज़ है, जो कि ये है कि ये एंटी मोशन सिकनेस के लिए यूज़ होती है, यूज़ फॉर मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस क्या है? बेसिकली मोशन सिकनेस हमारे पास क्या होती है, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग जो है हमारे पास नोजिया, वोमिटिंग, लाइटेडनेस और डिजीनेस वगैरह होती है, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है।